सो नाउ वी आर बैक इन द सेकेंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सेकेंड पार्ट देखने का कोई फायदा नहीं होगा, फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। अगर आपने ऐप आप डाउनलोड नहीं करा तो नोट्स नहीं मिलेंगे, तो ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। सो जैसे ही गांधी जी 1915 के अंदर भारत में आते हैं, तो गांधी जी ऑफकोर्स भाई 20 साल के बाद साउथ अफ्रीका के अंदर इतना ज्ञान प्राप्त करके आए, उन्होंने अंग्रेजों की सोच विचार को समझा है, थोड़े से समझदार है। अफ्रीका से आया मेरा दोस्त, साउथ अफ्रीका से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। अगर आपका भी कोई दोस्त बाहर से आता है तो आप उसे बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। तो गांधी जी एक तो लॉयर है, ऊपर से बाहर से केस लड़के आए हैं, तो गांधी जी की वैसी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस सिचुएशन में होता क्या है, इस सिचुएशन में होता है कि जैसे ही गोपाल कृष्ण गोखले जी बोलते हैं कि भैया गांधी जी इतने टाइम के बाद आए हो, भारत को स्टडी करो, समझो और देखो। और भारत के अंदर उस समय पर गरीब लोगों के हित के लिए काम करने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले से ही थी, लेकिन गांधी जी को एक चीज़ समझ में आई। गांधी जी को जब 1916 के अंदर, फरवरी 1916 के अंदर, एक उस टाइम पीरियड पे विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर अनाउंसमेंट करा के बुलाया गया। गांधी जी एक विजनरी लीडर, लोगों को पता नहीं था थे या नहीं थे, बट क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था किसी ना किसी तरीके का, सो दैट इज वाई यहाँ पे गांधी जी को बुलाया गया फॉर ओपनिंग द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फेब्रवरी के अंदर। गांधी जी ने बयान दिया कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं जो उस समय भारत के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे वो वकील हैं, वो बड़े बड़े जमींदार हैं, डॉक्टर हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या कहते हैं हिस्सा बने हुए हैं और लोगों की एक अच्छे तरीके से मदद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने बताया कि मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं है, मुझे इस चीज़ की चिंता है कि महात्मा गांधी चार्ज द इंडियन एलआईटी विद लैक ऑफ कंसर्न ऑफ लेबरिंग फॉर द पुअर। गांधी जी ने मजदूरों के गरीब होने की चिंता के ऊपर फोकस करवाया और बताया कि किस तरीके से अभिजात वर्ग, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो किस तरीके से भारतीय समाज को इस तरीके से बना रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कहने का मतलब ये था कि जो भी बड़े बड़े अभिजात वर्ग के लोग इंडस नेशनल कांग्रेस में थे, वो सिर्फ एक नामात्र, एक तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी बस। वो जनता से रूबरू नहीं होते थे, उन तरीके से ड्रेसिंग सेंस नहीं पहनते थे, या उनसे वो लोकली मिलते नहीं थे। तो फिर आम जनता जो अपनी परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, वो बात उनको कैसे बताएगी या कैसे ये चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करेगी। सो दैट इज़ वाई मैं कह सकता हूं कि यहां पे पूरी तरीके से इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और नुकसान होने के बाद भारत के अंदर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या कहते हैं गांधी जी आते हैं, गांधी जी फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं कि उनकी मेन डिज़ायर ये है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो ऑफकोर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है, वो उसके द्वारा ना चलाते हुए हमें प्रॉपरली इसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और जिसमें क्या कहते हैं प्रॉपरली इंडियंस लोग भी उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, जब जाके कहानी जो है आगे बढ़ेगी। अदरवाइज ऐसे तो कुछ भी नहीं होने वाला, अगर ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला तो फिर तो हमें कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे कहानी बढ़ती है आगे, और कहा जाता है कि भैया देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मूवमेंट सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा ही नहीं बनेगा। इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस में टोटल 100 लोग भी नहीं थे, तो आप कैसे भारत को आज़ाद कराने की बात कर सकते हो। तो जब ये अनाउंसमेंट उस समय सभी लोगों के सामने दिया गया ना, तो लोगों को समझ में आया कि हाँ गांधी जी कुछ तो हैं, गांधी जी बहुत बड़ी सोच रखते हैं, और जो ऑफकोर्स बाहरी कंट्री से आए हैं देखकर, तो ऑफकोर्स क्या कहते हैं हमें उस तरीके से इन्वॉल्व करना पड़ेगा लोगों को, लोकली लेवल पे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, जब जाके हमारी कहानी जो है आगे बढ़ेगी। और ये चीज़ बाद में लखनऊ के अंदर भी गई, क्योंकि लखनऊ पैक्ट लागू हुआ 1916 के अंदर, और ये कहा गया कि जो दफ्तर हैं कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो लोकल कस्बों के अंदर भी होने चाहिए। तो लखनऊ के अंदर भी ये गया, और लखनऊ के अंदर उस टाइम पीरियड पे राजकुमार शुक्ला जी जो है उनको सुन रहे थे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1916 पास द रेजोल्यूशन फॉर द लखनऊ रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ कमेटी फॉर द बोथ ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल टू इंक्वायर द ट्रबल फेसिंग द डिस्ट्रिक्ट। अब ये क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कहती थी कि भैया देखो अगर आप लखनऊ पैक्ट लागू नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि लखनऊ के लोगों की समस्या क्या है। सो दैट इज़ वाई 1916 लखनऊ पैक्ट पास हुआ 16 दिसंबर 1916 के अंदर, और फाइनली जब ये पैक्ट पास होता है तो उसके बाद ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल बेस पे पता चलता है कि लखनऊ के लोगों की हालत क्या है। तो उस समय राजकुमार शुक्ला जो है उनकी बातें गांधी जी की सुन रहे थे, और गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति लगते हैं हमें जो ऑफकोर्स जनता की जड़ से मदद करना चाहते हैं। तो लखनऊ से ही उस टाइम पीरियड पे
पटना जाने की बात उस टाइम पीरियड पे गांधी जी की हुई थी, और गांधी जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट यहीं से चालू होता है। और उसके बाद तो फिर मूवमेंट पे मूवमेंट, चंपारण एपिसोड, खेड़ा एपिसोड, अहमदाबाद एपिसोड, उसके बाद सत्याग्रह, रौलेट एक्ट के खिलाफ, ये सारी चीजें एक के बाद होती रही, और जिसने गांधी जी की लाइफ को पूरी तरीके से बदल गया। तो मैं कह सकता हूँ ये मोमेंट गांधी जी की लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्लास 12 के बच्चों के इंग्लिश के सिलेबस में भी ये आया हुआ है कि आप बताइए कि वाई 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 द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधीज लाइफ। चंपारण एपिसोड एक ऐसी घटना क्यों है जो उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, किन के लिए? महात्मा गांधी जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। तो ऐसा ये कहा जाता है कि आप बताइए कि 1916 से लेके 1919 के बीच, इवन उसके बाद भी आंदोलन चले, तो इतने सपोर्टिव क्यों रहे, गांधी जी के हक में क्यों रहे? कारण सिंपल सा है दोस्तों, अगर उसके बैकग्राउंड की स्टोरी हम जानने की कोशिश करें तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि 1914 से लेके 1919 के अंदर, 1914 से लेके 1919 के अंदर उस टाइम पीरियड पे जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस कांग्रेस वो इंडिया के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस को फैला रही थी, गांधी जी मूवमेंट चला रहे थे, लेकिन जो हमें गुलाम बनाए बैठे ब्रिटिशर्स थे वो उस टाइम पीरियड पे वॉर के अंदर बिजी थे, तो वो इंडिया के अंदर उस तरीके से फोकस नहीं कर पाए। और अगर हम देखें तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसने इंडियन नेशनल फ्रीडम के मूवमेंट को और अच्छा एक घी का काम करा, क्योंकि हमें पता है युद्ध के कारण जो क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारा टैक्स बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया, प्राइस को हाइक कर दिया, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें भाई ऑफ कोर्स क्या कहते हैं उन्होंने बाद में उन्हीं लोगों पे लगाना है टैक्स, इंडियन लोगों पे लगाना है टैक्स, तो हैवी टैक्स कैसे देगा कोई? जनता से सस्ते दामों में तुम चीजें खरीद लेते हो, फिर जब उनको खरीदने की बारी आती है तो उन्हें महंगा खरीदना पड़ जाता है। तो लोगों को ना ऐसे समझ में आने लग गया कि ऑफ कोर्स जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से हमें दिक्कत में रख रहे हैं, और ये चीज गांधी जी को फायदा हुआ। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो भी उस टाइम पीरियड पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे जबरदस्ती मजदूरों को आर्मी के अंदर घुसाया गया है ना, जैसे हमने मंगल पांडे वाला केस देखा था, इनको बोला गया था कि भैया ब्राह्मण है, लड़ाई करने के लिए बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हमारी जात का मामला है, हिंदुओं में हमारे में ऐसा होता नहीं है कि हमें बाद में उसे बाहर भेजा जाए, लेकिन यहाँ तो ये समस्या हो रही थी कि ब्राह्मण चाहे कोई भी हो, लड़ने के लिए इंग्लैंड जाना है, बर्मा जाना है या चाइना जाना है तो जाना पड़ेगा। इवन वॉर खत्म होने के बाद भी अगर देखें तो 1918, 19, 20, 21 के अंदर फूड का शॉर्टेज बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि ज्यादातर तो वॉरियर्स को जो क्या कहते हैं लोग होते थे बाहर जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उनको अनाज दिया जाना है ना, फिर इंडिया में शॉर्टेज हो गया तो ऑफकोर्स वो महंगा हो जाएगा, और कभी कभार तो क्रॉप फेलियर भी हो जाता था। क्रॉप फेलियर मतलब किसानों का जो ने क्रॉप फेलियर हो गया तो टैक्स कहाँ से देंगे, तो सूखा पड़ जाना, एपिडेमिक हो जाना, इसकी वजह से भी क्या कहते हैं मैं कह सकता हूँ कि अंग्रेजों ने जानबूझ किसानों को सताया, तो यहाँ से किसानों को और गुस्सा आना चालू हो गया कि यार एक तो फसल पैदा नहीं हो रही, उसे टैक्स पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है। सो दैट इज वाई सत्याग्रह यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा था, उन्होंने कहा आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो मत, लड़ोगे तो फिर आप उनसे नहीं जीत पाओगे क्योंकि उनके पास एक पूरी एक आर्मी है। 1800 का बैटल हारे ही इसलिए क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनाइज लोग थे ही नहीं। सबसे पहले आप सत्य की राह पे चलो, सत्य की राह पे है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करो, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी तरीके से अगर बाइकॉट करोगे तो ऑफकोर्स उनको फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उनका मेन फायदा हम ही लोगों से, हम ही उनका सामान खरीदते हैं, उनसे उन्हें प्रॉफिट होता है, वही प्रॉफिट की वजह से वो वॉर लड़ते हैं और ये अपने इंग्लैंड में पैसा भेज देते हैं। आपको करना बस ये सत्य के रास्ते पे चलना है और आपको पूरी तरीके से नॉन वायलेंस रहना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, लड़ोगे झगड़ोगे तो आर्मी में हमारे ही लोग हैं वो लोग मारे जाएंगे। सो दैट इज वाई यहीं से गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी थोड़ी सी चेंज होती है और ये लोगों को समझ में आने लग जाती है कि गांधी जी कुछ तो नया करने वाले हैं। सो दोस्तों ये था सेकंड पार्ट, आई होप दैट आपने हमारे ऐप को डाउनलोड करा होगा, नोट्स आपको मिल गए होंगे, ठीक है, नहीं मिले तो अभी तक जरूर मिल जाएंगे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, थर्ड पार्ट में जल्दी मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।